डॉक्टर मेहुल भट्ट, वंस अगेन, कोविड का थर्ड वेव इंडिया में जनवरी एंड या फरवरी में आ सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। इसका कारण ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला जो कोविड का वायरस है वो यूरोप और अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। 24 नवंबर से लेके आज एक महीना हो गया है जब पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया था और 3 हफ्ते से भी कम उसे लगे पूरी दुनिया में डोमिनेंट वेरिएंट बनने के लिए, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में। अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्रीज और कुछ स्टेट्स में जो आंकड़े हैं वो सेकेंड वेव के कंपैरिजन में भी पॉजिटिव केसेस के आंकड़े ज़्यादा है। तो ये एक चिंता का विषय है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला कोविड पिछले वेव से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल सकता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को इन्फेक्ट भी कर सकता है, तो इससे हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है। याद रहे कि जो इंडिया में कोविड का वेव आता है वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के 1 या 2 महीने के बाद आता है। इनफैक्ट इंडिया में भी पिछले 2 या 3 हफ्ते में 1, 2, 3 से लेके आज 250 ओमिक्रॉन के केसेस अलग अलग स्टेट्स में पाए गए हैं और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। तो हमें अगले 2-3 महीने में तीसरे वेव की तैयारी करनी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला है जो इंडिया में आ सकता है। और एक चौंकाने वाला न्यूज़ ये है कि यूके, जहाँ पे आज की तारीख में रोज़ के एवरेज 1 लाख से भी ज़्यादा पॉजिटिव कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 70% डबल वैक्सीनेटेड था। एट द सेम टाइम स्पेन, ये भी कंट्री ऐसी है जहाँ का वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा था, 80% पॉपुलेशन डबल वैक्सीनेटेड है, फिर भी यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सेकेंड और वेव के कंपैरिजन में काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून एस्केप, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। एट द सेम टाइम जो जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे वैसे वैसे जो कमज़ोर लोग हैं उसके संपर्क में आएंगे तो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो ओमिक्रॉन के आंकड़े भले ही ज़्यादा हो रहे हैं डेल्टा वेव के कंपैरिजन में, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन डेल्टा वेव के कंपैरिजन में कम हो रही है। एट द सेम टाइम जो डेथ है वो भी डेल्टा वेव के कंपैरिजन में कम हो रही है। एक छोटा उदाहरण दूंगा कि अगर डेल्टा वेव में 100 जन को पॉजिटिव आया था तो उसमें से 5 से 10 लोगों को शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इसी के सामने अगर 100 पेशेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले रहेंगे तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के जो रेट है वो डेल्टा के कंपैरिजन में कम रहेंगे। ये हमें जो बाकी कंट्रीज़ जैसे साउथ अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के स्टेट्स में स्टडी करके अंदाज़ा आया है कि ओमिक्रॉन के आंकड़े भले ही ज़्यादा रहेंगे डेल्टा वेव के कंपैरिजन में, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो डेल्टा के कंपैरिजन में कम रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेंगे, इनफैक्ट जैसे ही आंकड़े बढ़ेंगे वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेंगे और डेथ्स भी बढ़ेंगे। और कौन लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं? वो है कमज़ोर लोग, बुज़ुर्ग लोग, 60 से ज़्यादा उम्र के लोग, या जो लोग जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा है। तो अगर आप इन कैटेगरी के लोग हो तो भले ही आपने 2 वैक्सीन ले लिए हो फिर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्राउडेड जगह पे नहीं जाना है, डबल मास्क पहनना है, अपने इनर सर्कल फैमिली मेंबर के संपर्क में ही रहना है, जितना हो सके उतना बाकी लोगों के संपर्क में नहीं आना है, स्पेशली बिना मास्क। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखना ज़रूरी रहेगा, भले ही आपने 2 वैक्सीन ले लिए हो, भले ही आपको पहले एक बार कोविड हो गया हो। क्योंकि एक चीज़ अब तक क्लियर नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से शरीर के बाकी के अंग पे क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी अभी भी जारी है जो हमें 6 महीने के बाद मिलेगी। हमने देखा था पिछला जो अल्फा और डेल्टा वेव था उसमें कुछ परसेंट लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ था, मतलब कोविड रिकवर होने के बाद भी छोटे मोटे इश्यू कंटिन्यू रहते थे जो 3 से 6 महीने तक रहते थे। तो ऐसा ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट ओमिक्रॉन में भी हो सकता है, तो ओमिक्रॉन से हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है। भले ही आपने कहीं पढ़ा हो या कहीं देखा हो कि ओमिक्रॉन के ज़्यादातर पेशेंट के लक्षण माइल्ड है, लेकिन फिर भी
अगर ओमिक्रॉन हो जाता है तो भले आप जवान हो और आपको कुछ नहीं होगा या माइल्ड सिम्टम होंगे, लेकिन आपके फैमिली में रहने वाले बड़े बुजुर्ग को शायद दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए सावधानी रखनी ज़रूरी है। एज अ डॉक्टर, मैं जो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि पिछले 10 दिन में मुंबई में बुखार के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग क्वारंटीन के डर से टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं हमारे कहने के बावजूद। तो ये एक इंडिकेशन है कि मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर में, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ पे केसेस बहुत ही जल्द बढ़ सकते हैं और इसमें कमज़ोर और बुज़ुर्ग लोग आ सकते हैं और उन्हें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगेन मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए हो सके इतनी सावधानी रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखें, मास्क पहनना कंटिन्यू रखें, हैंड सैनिटाइजेशन रखिए, और क्राउडेड प्लेस या फैमिली फंक्शन या फेस्टिवल त्यौहार वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में ना जाए। थैंक यू।